श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा दिन है, और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो इस होलिका दहन में एक छोटी सी चीज़ आपको होलिका के अंदर डालनी है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, कैसे करना है, उन कौन सी चीज़ों को डालना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले ये कि हमें इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है नमक, है ना। किसी भी बड़ी किराना स्टोर पे जाओगे, उनसे कहना भैया हमें खड़ा नमक चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, 5 से 10 रुपए में खड़ा नमक लेना। ठीक है, लेने के बाद में आपको लेना होगा खड़ी हल्दी। ठीक है, कितनी हल्दी लोगे, 2 हल्दी की 2 गांठ लेनी है, छोटी छोटी। इस उपाय के लिए पिसी हल्दी की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, चलो दो चीज़ें हो गई हैं। तीसरी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है राई। ठीक है, राई 2 तरीके की होती है, एक है काली राई होती है और एक होती है पीली राई। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो आपको इस तरीके से पीली सरसों लेनी होंगी। इन तीनों चीज़ों को, जो 3 चीज़ मैंने बताया, खड़ा नमक और आपको राई और खड़ी हल्दी, इन तीनों चीज़ों को हाथ में लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, धन संपदा को लेके है या फिर किसी भी प्रकार को लेके है, अगर मान लेते हैं कोई इंसान बीमार है, तो उस इंसान के ऊपर से 21 टाइम्स आपको उन तीनों चीज़ों को लेकर के घुमाना होगा, सर से लेकर के पैर तक। कहाँ पे घुमाओगे, सर से लेकर के पैर तक। जिस इंसान के ऊपर कर्ज छमते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, उस इंसान के ऊपर से भी कितनी बार घुमाओगे, 21 टाइम्स आपको घुमाने होंगे। ठीक है, घुमाने के बाद में होलिका जहाँ पर जल रही हो आपके घर के आसपास में, नज़दीक में, चाहे होलिका जल रही हो या होलिका जल चुकी हो या होलिका जलने वाली हो, तीनों में से कुछ भी हो, होलिका नहीं जली है तो भी ले जा करके डाल देना, होलिका जल रही हो तो भी ले जा करके डाल देना, और होलिका जल चुकी हो तो भी अगले दिन सुबह ले जा करके डाल देना। जो भी व्यक्ति इन 3 चीज़ों को 21 बार घुमा करके डाल देता है, उस इंसान की बीमारी तो ख़त्म होती होती है, साथ ही साथ धन संपदा भी घर में आपके बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय है, आप सभी लोगों को होलिका दहन के दिन इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय होगा जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए। अब वो कष्ट आपके चाहे धन को लेकर के हो, मनोकामना को लेकर हो, घर में लड़ाइयाँ होती हो, क्लेश होते हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है ना, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा 1 पान का पत्ता। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब पान का पत्ता आप लोगे तो उस पान के पत्ते की नीचे की जो आपको दिख रही है ना, मतलब कह सकते हो नुकीला सा ऐसे पत्ता दिख रहा है, आप इसको यहाँ से तोड़ देना। ठीक है, और जो अगर जो डंडी लगी हुई हो पान के पत्ते में, उस डंडी को भी तोड़ देना। ठीक है ना, सिर्फ 1 पान का पत्ता लेंगे। पान के पत्ते के साथ में अब आपको सुपारी भी लेनी है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सुपारी 2 तरीके की होती है, एक होती है खाने वाली, एक आती है पूजा पाठ में इस्तेमाल वाली। आप जाना उनसे कहना भैया पूजा पाठ वाली देना, तो वो आपको 2 सुपारी देंगे। ठीक है, तो 2 सुपारी लेंगे। साथ ही साथ फिर से इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत होगी हल्दी की गांठ की। कितनी, 2 हल्दी की गांठ लेना। इतना लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, चले जाना है महादेव के मंदिर में। ठीक है, मंदिर में जाना चाहो मंदिर में जाओ, सुबह दोपहर शाम कभी भी जा सकते हैं, होलिका दहन जिस दिन हो। ठीक है, अब आपको शिवलिंग के पास नहीं जाना है, पूजा पाठ करने के लिए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई ना, आप अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे उसको अपने हाथों में लेके। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसमें हल्दी भी है, टच मत करा देना शिवलिंग के ऊपर, बस अपने हाथों को लेकर के 7 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमा लेना। ठीक है, घुमाने के बाद में महादेव के ही मंदिर के पीछे जा करके उन्हीं तीनों चीज़ों को चुपचाप रखेंगे, और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाना। जब आप 7 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमा रहे हों, तो यहीं पे आपको अपने जीवन के कष्टों को, अपने जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है वर्तमान समय में, उन कष्टों को कह देना और महादेव के मंदिर के पीछे साइड में ले जा करके रखना और चुपचाप घर की तरफ चले जाना। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे इस उपाय को।
दो उपाय की हमने बात की है होलिका दहन पे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको होलिका दहन पे करना है। इसके भी फायदे वही हैं कि अगर आपके घर में बहुत कष्ट चल रहे हैं, परिवार में परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, नहीं उसका कोई हल निकल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन अब उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो है वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं अपने घर की समस्याओं को दूर करने के लिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उपले, ठीक है। आपको कितने लेने होंगे, 3 से 4 उपले लेने, गौ माता के गोबर से बना हुआ। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं जानबूझ करके इतने बड़े उपले दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको इतने बड़े नहीं लेने हैं, बहुत ही छोटे छोटे 3 से 4 गोबर के उपले लेंगे जो सूखे हुए हों। बात आ रही क्या समझ में, ले लेना। लेने के बाद में आपको अनाज के कुछ दाने लेने हैं। अगर आपको धान मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, धान नहीं मिलता है तो कोई भी अनाज का कोई भी 2-4 दाने ले लेना, ठीक है। लेने के बाद में आपको लेना होगा साथ ही साथ जौ, ठीक है। जौ तो मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, तो जौ भी ले लेंगे। जौ को लेने के बाद में आपको 5 काली मिर्च भी लेनी है। कितनी, 5 काली मिर्च लेना। और इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको अपने घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना है, ठीक है। घूमने के बाद में आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य हों, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसको अपने घर के जितने भी सदस्य हों उनको एक बार टच करा देना, एक बार स्पर्श करा देना, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद में फिर से वही काम करेंगे, आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी होलिका जल रही हो, जल चुकी हो या जलने वाली हो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी उसको ले जा करके होलिका के अंदर डाल देना। अगर जल रही हो तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं जल रही है तब आपको वहाँ पे ले जा करके तब भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी फैमिली में कोई कष्ट नहीं आ सकता। देखो ये जो होलिका दहन होता है ना, ये बहुत स्पेशल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो जितने कष्ट होते हैं ना आपकी फैमिली में, वो सारे कष्ट इन छोटे छोटे उपाय को करने से आपके घर से दूर ज़रूर होते हैं, ठीक है। करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है, एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपका कुछ हो नहीं सकता, तो कैसे करना है सुनिएगा। अब आप कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। देखो जैसे मान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं अपने घर के शॉप को लेकर के, भैया हमारा व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चल रहा है, घर में हमारे क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे घर में शांति नहीं होती है, अब हम उसके लिए क्या करें, कोई आसान सा उपाय बताएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय है, उसके लिए जहाँ पे होलिका जल चुकी हो, अब जहाँ जल रही हो वहाँ नहीं जाना, जहाँ पे होलिका जल चुकी हो वहाँ पे जाओ, और वहाँ से जाने के बाद में होलिका की थोड़ी सी राख, 1 चुटकी के आसपास, 1 से 2 चुटकी के आसपास राख लेना, ठीक है। उस राख को क्या करोगे, किसी लाल कपड़े में या फिर किसी सफ़ेद कपड़े में, दोनों में से कोई सा भी मिल जाए, लाल कपड़ा हो लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा हो सफ़ेद कपड़े में, आपको उस राख को रख करके अच्छे से पोटली बनानी, ठीक है। और जहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी काम में, आपका कोई बिजनेस है, दुकान है, ठेला है, व्यापार है, नहीं चल रहा है, ग्राहक घर में नहीं आ रहा है, मतलब ग्राहक दुकान में नहीं आ रहा है, घर में बहुत तकलीफें चल रही हैं, तो दोनों जगहों पर, चाहे तो अपनी शॉप पर या फिर अपने घर पर, उस पोटली को कहीं पर भी आपको रख देना होगा, चाहे बांध दो रख दो, आपके घर में उन्नति होगी, दुकान में अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो दुकान भी आपके बहुत अच्छे चलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। करके देखिएगा इन सभी उपाय को। होलिका दहन का पावन सा दिन है, साल में एक ही बार आता है आपको पता है, तो अब इस सभी उपायों से अगर एक बार आप चूक गए ना, तो फिर आपको लगातार 365 दिनों के बाद ही ऐसा दिन आएगा, ठीक है। तो करिएगा, भूलिएगा नहीं। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो को लाइक सभी को करना है। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, होलिका दहन के समय पे बहुत ही ध्यान से अपना ख्याल रखेंगे। जो खराब रंग होंगे, पक्के रंग होंगे, थोड़ा सा उनको आँखों में लगाइए, खूब अच्छे से होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना त्यौहार है, लेकिन आँखों में लगने से बचे, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।